10 सितंबर साल 1976 इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट बोइंग 737 ने दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर के लिए उड़ान भरी। दिल्ली से महज एक घंटे की दूरी पर इस फ्लाइट को जयपुर में लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरते ही कुछ ऐसा हुआ जिससे फ्लाइट का रुख जयपुर से पाकिस्तान के लाहौर की तरफ मोड़ दिया गया। प्लेन हाईजैक हो चुका था। प्लेन में सवार सभी पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर की जिंदगी खतरे में थी। इसमें 77 पैसेंजर मौजूद थे, लेकिन हाईजैकर प्लेन लाहौर नहीं कहीं और ले जाना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे प्लेन को लाहौर ले जाना पड़ा? फिर किस तरह से पैसेंजर की जान बचाई गई और क्यों हाईजैक राजबन रह गया? उड़ान भरने के बाद प्लेन दिल्ली से महज 35 किलोमीटर की दूरी और 8000 फीट की ऊंचाई पर था। प्लेन के पायलट RS यादव प्लेन को ऑटो पायलट पर डालने ही वाले थे, तभी कुछ आदमी कॉकपिट में जबरदस्ती घुसाए। उनमें से एक ने पिस्टल RS यादव की गर्दन पर रख उसे जान से मारने की धमकी दी और चिल्लाते हुए प्लेन को सीधा लीपिया ले जाने को कहा। लेकिन प्लेन में ईंधन सिर्फ इतना ही था कि वह जयपुर से दिल्ली वापस आ सके। जब यह बात पायलट ने हाईजैकर को बताई तो वह बिखर पड़ा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने प्लेन को कराची ले जाने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने उसके लिए भी मना कर दिया। प्लेन सिर्फ लाहौर तक ही जा सकता है। इसके बाद हाईजैकर ने प्लेन के एक पायलट BN रेड्डी को कॉकपिट से निकालकर टॉयलेट में बंद कर दिया और वापस आकर यादव पर चिल्लाया कि इस प्लेन को लाहौर ले चलो। लाहौर पहुंचने के बाद यादव कंट्रोल रूम में प्लेन को लाहौर में उतारने की इजाज़त मांगी, लेकिन अथॉरिटी ने मना कर दिया। इस पर हाईजैकर ने यादव से फ़ोन का रिसीवर छीन कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है और वह इस प्लेन को लाहौर में ही उतारना चाहता है। उधर कॉकपिट के बाहर पैसेंजर भी डरे सहमे बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ 4 हाईजैकर हाथों में हथियार लिए उनके आसपास मंडरा रहे थे। प्लेन को लाहौर में लैंड करने के बाद हाईजैकर्स ने यादव को एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करने के लिए भेजा। उन्हें विमान को लीबिया ले जाने के लिए ईंधन, रूट मैप, लूडो चार्ट और नेविगेटर की आवश्यकता थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी रूट मैप देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था। और उन्हें रूट मैप कराची एयरपोर्ट से मंगवाने पर पाकिस्तान अथॉरिटी से मदद न मिलते देख हाईजैकर्स ने लीबिया के लिए मैप के बिना ही उड़ान की सोची। लेकिन पायलट ने उन्हें समझाने की कोशिश की, अगर वह बिना रूट के उड़ान भरते हैं तो प्लेन हवा में किसी दूसरे प्लेन से टकरा सकता है। हाईजैकर को यह बात समझ आ गई थी। इस घटना के बाद दोनों पायलट ने हाईजैकर से उसकी डिमांड जानने की कोशिश की, तो उनका जवाब था कि वह अपनी डिमांड लीबिया पहुंचकर ही बताएंगे। यादव बताते हैं कि हाईजैकर 2 पैसेंजर को बंदी बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि इजरायली नागरिक हैं और वह यादव की बात पर भी यकीन नहीं करना चाहते थे कि इस प्लेन में कोई इजरायली नागरिक नहीं है। आखिर वो इजरायली नागरिक को ही पीछे क्यों पड़े थे? रात हो चुकी थी और हाईजैकर के पास अब लाहौर में रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। यात्रियों की भी हालत ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से हाईजैकर ने यात्रियों को लाहौर एयरपोर्ट के लॉन्ज में शिफ्ट करने की मांग मान ली। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि दोनों पायलटों से एक पायलट उनके साथ प्लेन में ही रहेगा, जिस पर दोनों पायलट ने उसको समझाया कि अगर उन्हें नींद पूरी नहीं मिली तो उनके लिए प्लेन को लीबिया तक उड़ा पाना मुश्किल हो जाएगा। रात को 2:30 बजे यात्री को प्लेन से लॉन्च ले जाने के लिए बस का इंतज़ाम किया गया और उसी बस में दोनों पायलट को भी जाने की इजाज़त मिल गई। लेकिन ऐन मौके पर 5 हाईजैकर ने प्लेन में ही रुकने का फैसला किया। यादव बताते हैं प्लेन में काफ़ी अंधेरा था और गर्मी भी। प्लेन की बैटरी बचाने के लिए प्लेन की लाइट और AC बंद कर दिए गए। सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी आर्मी के आदमी ने पायलट और बाकी पैसेंजर को आकर बताया कि उन्होंने 5 हाईजैकर को पकड़ लिया है। बाद में उन्होंने यह भी बताया कि पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर उसको बेहोश कर दिया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सभी क्रू मेंबर और पैसेंजर को अगले दिन सुरक्षित वापस भारत लाया गया। लेकिन किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने पकड़े गए हाईजैकर को भारत को सौंपने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उनकी आइडेंटिटी तक रिलीव नहीं की गई। घटना के महज 4 महीने बाद 7 जनवरी 1977 को पाकिस्तान सरकार ने 5 अपराधियों को यह कहते हुए रिहा कर दिया कि उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे उन पर आपराधिक मामला चलाया जा सके। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि भारत चाहता था कि पकड़े गए आरोपी भारत में ट्रायल पेश करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज इस घटना के 44 साल बाद भी यह एक राज बना हुआ है कि हाईजैकर आखिर कौन थे और हाईजैकिंग के पीछे उनका मकसद क्या था और क्यों इजरायली नागरिकों को ही बंधक बनाना चाहते थे। और यह राज इतिहास के पन्नों में ही दफन होकर रह गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।